औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज जो क्लास 7th के लिए मैथमेटिक्स है, इसका टॉपिक जो है फ्रैक्शंस है, एक्सरसाइज 2.4 है। क्वेश्चन नंबर 2, इसका फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन। क्लासिफाई द रेसिप्रोकल एज प्रॉपर फ्रैक्शंस एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस एंड होल नंबर्स। हमें इनका जो हमारे पास ये पार्ट्स क्वेश्चन के दिए हुए हैं, इनका रेसिप्रोकल हमें देखना है। फिर इसके बाद हमें देखना है कि कौन सी इसमें से प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसका रेसिप्रोकल, और इम्प्रॉपर कौन सी है, और होल फ्रैक्शन होल नंबर कौन सा है। तो पार्ट नंबर 1 पर हम जाएंगे। सबसे पहले 3/7, इसका जो रेसिप्रोकल है वो 7/3 है, क्योंकि इसका जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर बन जाता है, और डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमरेटर बन जाता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इसका जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर इट इज़ ग्रेटर दैन इट इज़ डिनोमिनेटर, सो द फ्रैक्शन इज़ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो ये मैंने आपको समझाया भी है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन पहले, प्रॉपर इम्प्रॉपर एंड होल नंबर्स एंड मिक्सड फ्रैक्शन, ये मैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, ये सब इसके बारे में मैंने आपको क्लास भी दे दिया है। तो आप ये जो है ये 7/3 ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब जाएंगे हम पार्ट नंबर 2 पर। यहाँ 5/8 वो 8/5, ये भी जो है न्यूमरेटर इज ग्रेटर दैन द डिनोमिनेटर, सो द फ्रैक्शन इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो ये भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब पार्ट नंबर 3 पर जाएंगे। 3 में 9/7 वो इसका जो रेसिप्रोकल है वो क्या है, 7/9, इसका जो न्यूमरेटर है, इसका न्यूमरेटर जो है वो लेस देन है डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर से कम है इसका न्यूमरेटर, सो द फ्रैक्शन इज प्रॉपर फ्रैक्शन। तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो अब हम जाएंगे इस पर पार्ट नंबर 4 पर। पार्ट नंबर 4 में से 6/5, इसका 5/6, तो यहाँ भी जो न्यूमरेटर है ये जो है ये लेस देन डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर से कम है, तो प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये भी प्रॉपर फ्रैक्शन। अब हम जाएंगे पार्ट नंबर 5 पर। पार्ट नंबर 5 17/7, तो इसका भी 7/17, ये भी जो है न्यूमरेटर जो है लेस देन डिनोमिनेटर, सो द फ्रैक्शन इज प्रॉपर फ्रैक्शन। अब हम पार्ट नंबर 6 पर आएंगे। 6 वाला जो है 1/8, इट इज 8/1, अगर 1 से 8 को डिवाइड करेंगे तो वो 8 ही रहेगा, तो ये होल नंबर है, होल नंबर। अब हम जाएंगे पार्ट नंबर 7 पर। 7 में से 1/11 है, उसका रेसिप्रोकल जो है 11/7 है, 11/1 है, तो 1 से डिवाइड करेंगे 11 रहेगा, तो होल नंबर है, ये होल नंबर। तो मैं यहाँ पे जगह थोड़ा बचा रहा हूँ ताकि कोई पार्ट ना रह जाए, ताकि हम उसको भी सॉल्व कर सकें। तो हमारे पास ये 7 क्वेश्चन नंबर 7 था, पार्ट नंबर 7 था। पार्ट नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5 एंड 6, ये 6 था, और ये जो था 7 था, और अब 8 है, पार्ट नंबर 8। पार्ट नंबर 8 में 2/3, दैट इज़ 3/2, इसका न्यूमरेटर जो है बड़ा है,
न्यूमरेटर जो है छोटा है, तो न्यूमरेटर इज लेस देन, न्यूमरेटर बड़ा है, न्यूमरेटर ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर, सो द फ्रैक्शन इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर। अब हम जाएंगे पार्ट नंबर 9 पर। 9 को देखना आपको ज़्यादा, क्योंकि मैंने पहले भी ये समझाया है, पढ़ाया है आपको कि ये जो डिनोमिनेटर, ये जो पहले डिवाइड है, ये चेंज होता है मल्टीप्लिकेशन में, इसकी दूसरी फ्रैक्शन जो है उसका रेसिप्रोकल बन जाता है। तो यहाँ पे 2 2s are 4, 3 3s are 9, इसका रेसिप्रोकल 9/4। और यहाँ पे जो न्यूमरेटर है बड़ा है डिनोमिनेटर से, तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब हम जाएंगे पार्ट नंबर 9 पर, 10 पर, पार्ट नंबर 10। पार्ट नंबर 10 जो है 4/5 × 1, वन नंबर है और एक फ्रैक्शन 1/4। तो यहाँ पे हम इसको पहले सॉल्व करेंगे, 4 × 1 + 1 / 4, 4 1s are 4 and 5/4, ये फ्रैक्शन बनी। तो हमारे पास जो इस वक्त है 4/5 × 5/4, तो ये हमारे पास 5/4 are 20 and 5/4 are 20, वो अगर इसको रिसिप्रोकल रखेंगे तो भी वो वही आएगा 20/20, तो वो 1 के बराबर होता है, क्योंकि 20 - 20, तो ये होल नंबर जो है, ये होल नंबर है, होल नंबर है। तो अब हम, हमारे पास जो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 और 4 है, वो तो क्वेश्चन नंबर 1 के इक्विवेलेंट यानी कि उसके बराबर, उसके हिसाब से करना है। तो आज आप क्वेश्चन नंबर 3 और 4 खुद करेंगे, और कल हम जाएंगे डिसिमलर्स पर। तो